Hello everyone, welcome to my YouTube channel Civilo Concept. Today I am going to discuss the subject Structural Mechanics, and the first chapter will be Analysis of Fixed Beam. तो फिक्स बीम के एनालिसिस करने से पहले हम लोग कुछ बेसिक टर्म्स को समझ लेते हैं. जैसे इक्विलिब्रियम कंडीशंस के बारे में अगर हम बात करें तो देयर आर थ्री इक्विलिब्रियम कंडीशंस, समेशन ऑफ एच इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एम इज इक्वल टू जीरो. समेशन ऑफ एच इज इक्वल टू जीरो का मतलब होता है, जैसे किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ फोर्सेस अगर एक्ट कर रहा है और उन सारे फोर्सेस जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं उनका अगर समेशन जीरो है, यानी उनका नेट इफेक्ट अगर जीरो है, तो उस ऑब्जेक्ट का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में किसी तरह का हमको मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा, वो एकदम इक्विलिब्रियम कंडीशंस में रहेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शंस में. समेशन ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो की अगर हम बात करें तो उसी ऑब्जेक्ट में अगर जितने नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं और वर्टिकल डायरेक्शंस वाले जितने भी फोर्सेस हैं उनका समेशन अगर जीरो है, यानी उनका नेट इफेक्ट वर्टिकल डायरेक्शन में जीरो है, यानी उस ऑब्जेक्ट में हमको वर्टिकल डायरेक्शन में किसी तरीके का मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा. समेशन ऑफ एम इज इक्वल टू जीरो का मतलब है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट में जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं उन फोर्सेस की वजह से उसी ऑब्जेक्ट के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कोई मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है और उन सारे मोमेंट का अगर समेशन अगर करें, अगर उसका समेशन जीरो है यानी उसका नेट इफेक्ट अगर जीरो है, तो वो ऑब्जेक्ट रोटेट नहीं होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट. यानी वो अगर ये इन तीनों कंडीशंस को अगर कोई ऑब्जेक्ट फुलफिल करता है तो वो कहलाएगा इक्विलिब्रियम कंडीशंस को मेंटेन कर रहा है, यानी कि वो स्टैटिक कहलाएगा. यानी उसमें किसी तरह का कोई भी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है, ना ही वर्टिकल डायरेक्शन में, ना ही हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ना ही वो किसी पॉइंट के बाद रोटेट कर रहा है. हम बात करते हैं एनालिसिस ऑफ बीम की, कि व्हाट इज एनालिसिस ऑफ बीम. जब हम किसी बीम का एनालिसिस करते हैं तो उसमें बहुत सारे अननोन क्वांटिटीज होती है, जैसे कि रिएक्शंस, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, स्लोप, डिफ्लेक्शन. तो ये सारे अननोन क्वांटिटीज को फाइंड करना ही एनालिसिस ऑफ बीम कहलाता है. अब हम बात करते हैं स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम की. अ बीम विच कैन बी एनालाइज्ड बाय यूजिंग थ्री कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, दैट इज समेशन ऑफ एच इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ वी इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एम इज इक्वल टू जीरो, देन दैट बीम इज नॉन एज स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम. यानी कि इसमें जो जिस बीम का अगर हम एनालिसिस कर रहे हैं उसमें जो नंबर ऑफ अननोन्स है लेस देन और इक्वल टू थ्री है, तो उस अननोन्स को हम कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम से की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं. इन शॉर्ट अगर हम समराइज करें कि स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम में क्या होता है, कि इसमें नंबर ऑफ अननोन्स मैक्सिमम थ्री हो सकते हैं या उससे कम होगा. एग्जांपल ऑफ अगर हम स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम की बात करें तो सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, ओवरहैंगिंग बीम, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ स्टैटिकली डिटरमिनेट बीम. अब हम बात करते हैं स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम किसको कहेंगे. अ बीम विच कैन नॉट बी एनालाइज्ड by using three conditions of equilibrium, then that beam is known as statically indeterminate beam. यानि कि इसमें जो statically indeterminate beam होगा, इसमें number of unknowns वेरे number of equilibrium equations से ज़्यादा होगा. That is, number of unknowns is greater than number of equilibrium equations. यानि statically indeterminate beam को अगर हम summarize करें, इसमें number of unknowns क्या होंगे? More than three होगा. क्योंकि हमारा number of equilibrium equations कितने होते हैं? तीन होते हैं. इसलिए number of unknowns हमेशा यहाँ पे तीन से ज़्यादा होगा. एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो फिक्स बीम, कंटिन्यूस बीम एंड प्रॉप्ड कैंटिलीवर बीम, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्टैटिकली इनडिटरमिनेट बीम. अब हम बात करते हैं कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी क्या होता है. डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन्स माइनस नंबर ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इक्वेशंस. डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेंसी से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर बीम मेरा स्टैटिकली इनडिटरमिनेट है या डिटरमिनेट है. अब हम बात करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट सपोर्ट्स पे किस तरीके का रिएक्शन जनरेट होता है. तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सिंपल सपोर्ट को अगर हम कंसीडर करें, जिसको है कि हम हिंज सपोर्ट भी कहते हैं, इसको इस तरीके से डिनोट किया जाता है. जैसे इस सपोर्ट पे देखो, ये बीम का अगर पोर्शन है तो अगर इस पे किसी तरह का कोई फोर्स लग रहा है तो ये फोर्स क्या करेगा, इस सपोर्ट को नीचे लाने की कोशिश करेगा. तो ये क्या करेगा, ये सिंक नहीं होने देगा, ये सपोर्ट सिंक नहीं होने देगा इस बीम को. यानी कि ये जो सपोर्ट है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है, तो इस रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने की वजह से वर्टिकल डायरेक्शंस में रिएक्शन प्रोड्यूस होगा, ये वर्टिकल रिएक्शंस हुआ. उसी तरीके से फोर्स अगर इस सपोर्ट को इस डायरेक्शन में अगर कोई यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर फोर्स लगे तो इस सपोर्ट को ये मूव करने की कोशिश करेगा हॉरिजॉन्टली,
लेकिन ये फिक्स्ड होने की वजह से ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा, यानी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो इसलिए हॉरिजॉन्टल रिएक्शन प्रोड्यूस होगा, जिसको हम एस से डिनोट किए हैं। अब देखो फोर्स लगने की वजह से, फॉर एग्जांपल कोई भी फोर्स लग रहा है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होगा, ये रोटेट होगा ये बीम का पोर्शन, लेकिन क्या ये पॉइंट इसको रोटेट होने देगा? हाँ, ये हिंज है, यानी कि ये फ्री टू रोटेट है इस पॉइंट के अबाउट। तो ये बीम पे अगर कोई फोर्स लगा तो ये सपोर्ट इस बीम के अबाउट इसको रोटेट होने देगा और रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, इसलिए इस कंडीशन में यहां पर कोई भी मोमेंट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं होगा। यानी कि सिंपल सपोर्ट की अगर हम बात करें तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस कितना हो जाएगा? टू हो जाएगा, एक मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा, एक वर्टिकल डायरेक्शन पे। अब हम बात करते हैं रोलर सपोर्ट की। ये रोलर सपोर्ट इस तरीके से दिखता है, इसमें अगर जैसे कोई फोर्स लगा रहे हैं, फॉर एग्जांपल डब्ल्यू अगर अमाउंट ऑफ वेट लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है, तो ये क्या करेगा, इस बीम पे फोर्स लगाएगा और ये बीम इसको सिंक होने नहीं देगा, यानी ये नीचे की तरफ नहीं आएगा, ये बीम का जो पोर्शन है, सपोर्ट का जो पोर्शन है, ये रेजिस्ट करेगा इस फोर्स को, यानी ऊपर की डायरेक्शन में, यानी वर्टिकल डायरेक्शन में ये क्या करेगा, रेजिस्टेंस लगाएगा। तो ये रेजिस्टिव फोर्स हो गया, यानी ये वर्टिकल डायरेक्शन में रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा। अगर कोई फोर्स, फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि ये एफ फोर्स लग रहा है, ये किसी एंगल थीटा पर इंक्लाइंड है, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है, जिसको हम एफ कॉस थीटा लिखेंगे, तो ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा इस सपोर्ट पे। तो ये सपोर्ट क्या इसको इस डायरेक्शन में मूव होने देगा? हाँ, क्योंकि यहां पे रोलर लगा हुआ है, रोलर लगने की वजह से ये फोर्स जब इस पे फोर्स लगाएगा, एग्जर्ट करेगा फोर्स, तो ये रोलर सपोर्ट होने की वजह से इस डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, ये किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, इसलिए यहां पर इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल रिएक्शन प्रोड्यूस नहीं होगा। और अगर ये देखो, ये दोनों जो फोर्स लग रहा है, इसका जो वर्टिकल वाला कंपोनेंट है क्या हो जाएगा, एफ साइन थीटा। तो ये फोर्स और इस फोर्स की वजह से इस जो बीम वाला पार्ट है, यहां पर मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है इस पॉइंट के अबाउट, तो क्या ये फोर्स इसको इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करा देगा? हाँ, और ये जो मेरा जो सपोर्ट है, इसको किसी तरह का कोई रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा, इसलिए यहां पर मोमेंट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस नहीं होगा। तो हम रोलर सपोर्ट की अगर बात करें, तो यहां पर जो नंबर ऑफ रिएक्शंस की बात कर लेंगे, ये कितना निकल कर आएगा, ओनली वन, खाली वर्टिकल डायरेक्शंस में ही हमको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा और वर्टिकल डायरेक्शन में ही रिएक्शंस देखने को मिलेगा। इसलिए नंबर ऑफ रिएक्शंस कितने हो जाएंगे रोलर सपोर्ट के केस में, ओनली वन। हम बात करते हैं फिक्स सपोर्ट की। फिक्स सपोर्ट को इस तरीके से डिनोट किया जाता है, अगर इस बीम के वाले पोर्शन पे अगर कोई फोर्स लग रहा है, फॉर एग्जांपल एफ, तो ये क्या करेगा, ये फोर्स की वजह से वर्टिकल डायरेक्शंस में रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा, रिएक्शन प्रोड्यूस होगा। ये फोर्स क्या करेगा, इस सपोर्ट को नीचे लाने की कोशिश करेगा, लेकिन ये फिक्स्ड होने की वजह से ये सिंक नहीं होगा, नीचे नहीं आएगा, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, और रेजिस्टेंस प्रोवाइड करने की वजह से ही वर्टिकल डायरेक्शन पर रिएक्शन प्रोड्यूस होगा। अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई इंक्लाइंड फोर्स होता, फॉर एग्जांपल अगर हम मानते हैं डब्ल्यू कोई वेट है जो कि इंक्लाइंड है एट एंगल थीटा पे, तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है क्या हो जाता, डब्ल्यू कॉस थीटा। तो ये डब्ल्यू कॉस थीटा इस सपोर्ट पे फोर्स लगाता और इसको इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता, तो लेकिन ये क्या करेगा, चूंकि फिक्स सपोर्ट है तो ये इस डायरेक्शन में मूव नहीं होगा, इसलिए यहां पर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा और ये जो रेजिस्टेंस है रिएक्शंस प्रोवाइड करेगा, जो कि हम एच से डिनोट किए हैं, यानी हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस हो गया। और देखो ये दोनों फोर्स की वजह से क्या करेगा, ये बीम इधर इस पॉइंट के अबाउट रोटेट होने की कोशिश करेगा, लेकिन ये फिक्स्ड है, फिक्स्ड होने की वजह से यहां पर किसी तरह का कोई रोटेशन नहीं होगा, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा रोटेशन के अगेंस्ट, इसलिए यहां पर मोमेंट रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होगा। तो इस कंडीशन में हम बात करें कि नंबर ऑफ रिएक्शंस इन केस ऑफ फिक्स सपोर्ट कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा तुम्हारा तीन। क्या होगा, एक वर्टिकल रिएक्शंस मिलेगा, हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस मिलेगा और मोमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगा।